जय भीम। नमस्कार साथियों, आज हम हैं गाजियाबाद के अंदर भूखना वार्ड नंबर 13 और यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय होना है प्रीति सिद्धार्थ जाटव का। तो ये सब लोग पदाधिकारी हैं और इससे मैं जानूंगा कि यहाँ पर पूनम यादव की और प्रीति सिद्धार्थ की क्या स्थिति रहेगी। जय भीम जी। जनाब आपका है रजेश कुमार जी और जो प्रीति सिद्धार्थ जाटव हैं जी, मैं उनका ससुर हूँ जी। वो हमारे बेटे के मतलब पत्नी हैं। और जी देखो, यहाँ पे वैसे तो मतलब कई पार्टियाँ यहाँ पे मतलब चुनाव लड़ रही हैं, जैसे बसपा है, भाजपा है, सपा है। बाकी जो प्रीति सिद्धार्थ हैं या सचिन सिद्धार्थ हैं, मतलब बसपा का यहाँ बाहुबली मतलब वो अपने वोट बैंक है काफ़ी, पर उसमें जो मतलब सचिन जी या प्रीति काफ़ी प्रभावित हैं और उसमें पूनम यादव उसको भी काफ़ी बढ़त मिल रही है यहाँ से। हाँ, मेयर के वोट मिल जाएंगे पूनम यादव यहाँ से, काफ़ी बढ़िया वोट मिलेंगे। आपके बारे में कुछ ऐसी समाज है? हाँ, वो काफ़ी पूनम यादव के साथ ज़्यादा नजर आ। हाँ जी, पूनम यादव जी के साथ में काफ़ी मतलब झुकाव है, क्योंकि वो सिकंदर यादव जी काफ़ी बहुत अच्छे नेता रहे हैं बसपा के। हाँ जी, अब वो सपा में है, पर फिर भी उनका जो मतलब पब्लिक का जो प्यार दिया है वो उनका प्यार बहुत मतलब बढ़िया है। आप नहीं रहते हो क्या नाम आपका? गोपाल कुमार बोल रहे। कहाँ पे रहते हो? अच्छा, तो यहाँ जो चुनाव चल रहा है, चुनाव चुनाव का समीकरण चल रहे हैं जगह जगह से, तो यहाँ जो मेयर का चुनाव चल रहा है, मेयर पर ज़्यादा निगाह है, तो इसमें क्या हिसाब है? पहली से बड़ा गया था। और यहाँ जो ना से चेहरा द्वारा उसको स्कीम तैयार है। तो चुनाव है सभी समाज का, जो समर्थन है वो ज़्यादा लोग काफी वीडियो बननी है पूजा के लिए। ये भी प्लस कोई बात कोंदरी बात को मिस कर और यहाँ वार्ड नंबर 13 पे है। आपने समाजवादी की तो पहन ही रखा है प्रीति का, लेकिन सही बताइए सही। सचिन जी संघर्ष कर रहे हैं, युवा नेता हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में रहते रहे हैं, लोकल की राजनीति रही है, शहर की राजनीति रही है, बट चढ़ते हिस्सा लिया है और छात्रों के हित में भी काम किया है। और जिस प्रयास से जिस मेहनत से मदद से अपने थाना क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो संघर्ष आपके ऐसी समाज जो है हमारा, जो हमारा एक वोट बैंक आपका है हमारा देश के अंदर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है, इस बार ऐसे क्या कि प्रत्याशी का चयन है किस प्रत्याशी को क्षेत्र में चुनते भेजेंगे। तो पूनम यादव जी हो सकता है कि चुनावी राजनीति में नहीं हूँ, परंतु जिस परिवार से वो आती है वो उसी के परिवार में है, एक विचारधारा को लेकर चलने वाला। मैं एक चीज का सर्वे ये कर रहा हूँ कि जितने भी प्रत्याशी मेयर पद पर हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का, सभी लोग ग्रेजुएट हैं कम से कम, लेकिन हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता जिला मैं नाम लूँगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर बैठे हैं जिलाध्यक्ष ने दिखा ने, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, अपना पोस्ट ग्रेजुएट पाँच विभाग समाज पार्टी की प्रत्याशी है, जो पाँच विभाग ग्रेजुएट
सेवन को है ड्राइव नहीं भैया बुलाया तो इधर मेरा कैमरा सबसे ज्यादा वोट गाजे बात में हम लेकिन हमारा प्रत्याशी मतलब अनपढ़ समझो पांच मिनट का लेकर जी माइनस पॉइंट है तो इसी में जैसे कुमार यादव के साथ लोग जाते हैं नहीं मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि व्यवहार से जाना जाता है व्यवहार जिसका अच्छा अच्छे कपड़े तो दुकानों पर पुतले भी पहनते हैं व्यवहार जिसका बढ़िया उसको लोग जानते हैं इसमें जो कनेक्शन होता है लोकल कनेक्शन होता है आदमी व्यवहार में जाता है किसका व्यवहार बढ़िया है कौन किसके साथ खड़ा हो जाता है कौन किसके साथ जाता है अभी लोकल का जो ये होता है कनेक्शन होता है व्यवहार का होता है जिसका व्यवहार बढ़िया वो जीत जाता है ये भी जो है प्रिंसिपल है सब स्कूल चला रहे हैं पढ़े लिखे हैं तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं सर्वे कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देंगे और नेता करते हैं तो सबसे पहले तो ये चीज़ है एक अपनी छवि है एक अपना दायरा भी होगा भाजपा का टूटेगा नहीं टूटेगा पूनम संभवतः टूटेगा सर पूरी पूरी उम्मीद है आपके पास उम्मीद है संविधान ने कहा कि 50 साल वो टूटने के लिए बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं जी रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं लेकिन ऐसा होता है कि चुनाव का टाइम आता है ना चुनाव का अभी बहुत डकपटक होगी चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस दिन क्या होता है कि अब आप ये देखें कि जो प्रत्याशी बीएमपी का जो है जो महिला उमड़ा करा गया है और डमी प्रत्याशी के रूप में उतारा है जो बहुत गलत है ये समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हर बार इसी तरीके से होता है तो बहुत पार्टी का भी बहुत दुर्घटना हो जाता है आपकी बसपा मेयर प्रत्याशी है इनके प्रतिनिधि चुनाव भी काफी बसपा के प्लेटफॉर्म पर कभी भी उनको नहीं देखा गया हमसे नजर अचानक कोई कैंडिडेट अगर आपके पीछे आएगा तो जनता की मांग रही है कि आप बिना परिचय तो अगर समाज के लिए आप किसी को भी वोट में अपना लक्षण सुनाओगे तो उसको लोग बागों में जो रुझान ये आया था कि भाई अगर मुस्लिम चेहरा ही पढ़ना था तो डॉक्टर बहुत है मास्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लड़के हैं बहुत सारे हैं प्रत्याशी ताड़ने की बात और एक पॉइंट ये आया प्लस कि 17 मेयर होने के बाद में बहुजन समाज पार्टी से जाटा समाज का एक बिल्कुल सही बात है वो हम दूसरों में डोते रहेंगे राजनीति राज करने के लिए होती है दूसरों को राज देने के लिए खुद राज करने के लिए होती है और इसी से हमारी पहचान भी बनती है जो कि यहाँ पर हमारी अभी तक पहचान गाजियाबाद में इसी तरीके से नहीं बन पाई पूरे उत्तर प्रदेश में इसी वजह से जाटो समाज बीएसपी से कटता है क्योंकि हम लोगों को अहमियत नहीं जाती वो लोग जिनका कुछ जान नहीं पहचान नहीं इसको कौन जानता है जो बसपा ने कंप्यूटर उतारा उसको जानता है पीछे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सचिव सिद्धार्थ जी हैं और स्वागत है आपका
और जीत की आर्थिक आर्थिक बताइए आपका प्यार है। आप यहाँ पर इस कवरेज को आज कवर करना है। आज हमारे जो क्षेत्र का कार्यालय है वार्ड 13 का उसका उद्घाटन है और जो मेयर प्रत्याशी हैं पूनम यादव वो और जो उनके उनके पति हैं श्री सिकंदर यादव जी और उद्घाटन करने हमारे कार्यालय और हमें हार्दिक खुशी है। ये मेरा सपना था शुरुआत करिए मैंने पार्लियामेंट का सपना है और ये मेरा ड्रीम है कि जिसमें जाकर संसद भवन में अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करूँ। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या नाम है आपका? नाम मगन जी बात। अच्छा क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ दीदी सही छुट्टी चलिए वो आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है महसूस कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। मैं आपको मेरी खुशी बहुत है और जीतने के पूरी कोशिश युवाओं को जोड़ पाओगे? युवाओं को ही जोड़ना है, युवा ही आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।